नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारी एक कहानी करी थी, राइट? कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कहानी हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आज हम हमारी जो बुक है, हमारी पाठमाला है, उसका हम जो कोर्स है वो आगे बढ़ाएंगे, राइट? चैप्टर 7 तक हमने हमारी फर्स्ट सेशन हमने कर लिया था, देन आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 का नेम है जापान। सुना है कोई नाम जापान? यस, जापान एक देश है, जैसे कि हमारा देश भारत, हमारा देश इंडिया, राइट? हमारे देश में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक है, हमारी देश की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारी बोली है, हमारी जो नेशनल सारे सिंबल्स है, वैसे ही हर एक देश के भाषा होती है, हर एक देश के चिन्ह होते हैं, राइट? तो आज हम लोग जापान के बारे में कुछ सुनेंगे। तो जापान क्या देखेंगे, राइट? जापान क्या है? एक देश है, पर कैसा देश है, उसके अंदर क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के अलावा कोई दूसरे देश में जर्नी की है। की है आप में से कोई ने? यस, अगर की है तो वेरी गुड। हम लोग, हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के बाहर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या जापान, कोई भी अलग देश है, उसमें घूमने जाते हैं और वहां के बारे में सब कुछ हम जानते हैं, राइट? तो आज हम लोग बैठे बैठे यहाँ पर जापान के बारे में बहुत सारी बातें देखेंगे, राइट? एक तो बात ये है कि हम दूसरे देश के बारे में देखेंगे, सुनेंगे, और दूसरी बात ये है कि ये एक पत्र है। क्या है? पत्र है, जो एक सहेली दूसरी सहेली को पत्र लिख रही है, राइट? और पत्र के दौरान वो अपनी बातें, जो जापान घूमने गई थी, वो सारी बातें उस पत्र में बता रही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये भी है कि ये पत्र है, और पत्र के द्वारा हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग हमारी जो पूरी बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं, राइट? अभी की जनरेशन है तो ज्यादातर सारी बातें हम लोग फोन में ही कर लेते हैं, ज्यादातर कई चीजें हैं जो हम लोग फोन में भी देख लेते हैं, राइट? पर पत्र का भी अलग महत्व है, राइट? हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात जो है वो पत्र में लिख सकते हैं, राइट? तो चलो, सबसे पहले हम हमारा पत्र है, सॉरी, हमारा ये जापान चैप्टर 8 है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 जापान। सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं, सारे के सारे शब्दार्थ हम लोग एक बार में देख लेते हैं, ताकि शब्दार्थ अगर हमारे किसी भी वाक्य के अंदर आया तो उसका मीनिंग, उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, राइट? सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्दार्थ है लगन। क्या है? लगन यानी कि मन लगाकर। कहते ना हमारे की लगन से काम करो, यानी कि मन लगाकर काम करो, मन लगा कर। नाउ सेकंड शब्दार्थ द्वीप। द्वीप यानी कि क्या? आइलैंड, जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो। द्वीप यानी कि आइलैंड, बीच में जमीन है और उसकी चारों तरफ पानी हो, उसे कहते हैं द्वीप। इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड, राइट? टापू, गुजराती माने के टापू, राइट? तो ये द्वीप है वो ऐसा होता है कि बीच में जमीन होती है और उसकी चारों तरफ क्या होती है? समुद्र का पानी। तो ये होता है द्वीप। फिर है भूमि। भूमि यानी कि जमीन, वो तो इजी है, भूमि यानी कि जमीन। फिर है भूकंप। भूकंप यानी कि धरती का हिलना। अभी कुछ समय पहले एक छोटा सा हुआ था हमारे यहाँ पर धरती कंप, भूकंप हम कहते हैं, धरती कंप उसको क्या कहते हैं? धरती कंप, उसको हिंदी में कहते हैं भूकंप। और वो क्या होता है? धरती होती है, वो थोड़ी सी हिलती है। क्या होता है? थोड़ी सी हिलती है, यानी कि कुछ जमीन के नीचे के जो स्तर होते हैं उसमें कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से एक दूसरे के फोड़ जो होते हैं वो हिल जाते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा हमारी जो ये भूमि होती है उसमें थोड़ी हिलावट होती है, राइट? हमको महसूस होती है कि ये हमारी जो पूरा घर है वो हिल गया, राइट? तो वो होता है भूकंप।
फिर है नुकसान, नुकसान यानी कि हानि, नुकसान यानी कि हानि। फिर है त्योहार, त्योहार यानी कि उत्सव पर्व, हम सेलिब्रेशन करते हैं हमारे सारे त्योहार वही। फिर है पारंपरिक, पारंपरिक जो बहुत समय से चलने में हो, पारंपरिक यानी जो बहुत समय से चलते आ रहा है। कोई ऐसी बातें हैं जैसे कि हम रावण दहन करते हैं, रावण को मारते हैं, तो वो बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है, राइट। फिर हमारे घर में कोई ऐसी शादी होती है तो उसमें जो हम रीत रिवाज करते हैं वो बहुत पारंपरिक होते हैं, बहुत पहले से चले आता है, चले आ रहा है, राइट। वही हम लोग अभी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें होती है वो कैसी कहलाएगी, पारंपरिक, राइट। और फिर ये थे हमारे शब्दार्थ, राइट, ये थे हमारे शब्दार्थ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर है जापान। सबसे पहले पत्र में क्या होता है कि पत्र में उसकी जो हमें जहां पर एड्रेस लिखा है वहां पर जो लिख रहा है उसका एड्रेस है पोस्ट बॉक्स संख्या 104, ये फॉरेन का है, दुबई, दुबई का, इसलिए वहां पर ऐसा लिखा है। अगर हम लोग लिखते तो हम लोग हमारा नेम, राजकोट, फिर डेट वैसा लिखते हैं, पर ये दुबई का है, इसमें पोस्ट बॉक्स संख्या 104 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, वहां की जो जगह है उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, 16 जुलाई 2000। देखो हमें क्रॉस दिया है, क्रॉस यानी कि कौन सा ईयर है वो हमें यहाँ पर नहीं दिया है, राइट। जिस ईयर में हम पढ़ रहे हैं उस ईयर का ये ऐसा मानना है, जैसे कि 16 जुलाई 2020, अभी 2020 चल रहा है तो हम लोग वही मानेंगे 2020, 16 जुलाई 2020, राइट। वहां पर दो क्रॉस किया है, दैट मींस कि हम लोग जो ईयर में कर रहे हैं उसी में हमें उसको कंसिडर करना है, राइट। प्रिय सहेली रीना, प्रिय सहेली रीना नमस्कार, उसकी जो सहेली है मैं आप लोगों को पहले उसका नेम बता देती हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये अक्षिता नाम की एक लड़की है, तो आपको लगेगा कि आपको कैसे पता। तो देखो हमेशा पत्र समाप्त होता है, पत्र पूरा होता है, उसके नीचे, उसके नीचे जो पत्र लिख रहा है उसका नेम होता है। तो देखो हमारा पेज नंबर 45, उसमें लिखा है ना नीचे अक्षिता, राइट। तो ये अक्षिता है वो रीना को पत्र लिख रही है, कौन लिख रहा है, अक्षिता रीना को पत्र लिख रही है और अपनी सहेली को कहती है, प्रिय सहेली रीना नमस्कार, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं अपने विद्यालय की ओर से गर्मी की छुट्टियों में अपनी अध्यापिका एवं सखियों के साथ जापान गई थी। क्या कह रही है कि तुम्हें खुशी होगी कि ये जानकर कि मैं अपने विद्यालय में यानी कि अपनी स्कूल से उसका प्रवास गया था, राइट। पिकनिक हमारी जाती है वैसे, कहां पर गई थी, गर्मियों की छुट्टियों में, कहां पर, सबकी के साथ जापान, कहां गए थे, जापान। मैं तुम्हें इस पत्र में जापान देश की यात्रा कराऊंगी। देखो मैंने आगे ही कहा कि जैसे पत्र में हम लोग सारी चीजें लिख सकते हैं, तो पत्र में वो सारी चीजें लिखी है जिसके हम, जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें जापान के बारे में बहुत सारी बातें मालूम होगी और वहां के सुंदर चित्र दिखाऊंगी। और जो हम फोटोज लेते हैं तो वहां के सुंदर चित्र, अगर हमें कोई ऐसी बात कर रहा है, देखो आप भी खुद ऐसा महसूस करना कि मैं आप लोगों को ये पूरा रीड करूंगी तो आपको मन में, आपके मन में ये सारे सारे भाव आ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसे घर होंगे, वहां पर ऐसे घर होंगे, राइट। कोई हमें इस तरीके से पत्र लिखता है कि उसकी बातें होती है जो हमारे मन में एक अलग सा अद्भुत एहसास कराती कि सच में हम भी जापान घूम के आए, राइट, ऐसा ही लगेगा आपको। ये अक्षिता है रीना को सब कुछ बता रही है कि मैं आज तुम्हें जापान की सैर कराऊंगी। जापान एक छोटा किंतु धनवान देश है। जापान देखो हमारे इंडिया से छोटा देश है, पर कैसा देश है, धनवान, कैसा देश है, धनवान यानी कि पैसे वाला देश। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, वहां के जो लोग है वो बहुत मेहनती होते हैं, ओके, उसके जो सारे लोग होते हैं वो सारे के सारे मेहनत होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इस देश के लोग हर काम लगन से करते हैं, उस देश के जो लोग हैं वो हर एक काम बहुत लगन से करते हैं। और सही बात है कि जो भी हम काम है वो लगन से करेंगे तो हमारा नाम होगा ही,
राइट। अगर हम कोई भी चीज अगर अभी की बात करें, हमारी इंडिया की, हमारी खुद की बात करें, अगर हमने कुछ अच्छा अच्छा हमने किया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लगन से कोई भी काम करेंगे तो हमारा काम भी कोई तारीफ करेगा कि नहीं ये काम इसने बहुत अच्छा किया है। तो कोई भी काम होता है वो लगन से करते हैं तो वो कैसा होता है, एकदम अच्छा होता है। तो वहां के लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं और सारा काम कैसे करते हैं, लगन से, यानी कि मन लगा कर करते हैं। और आप भी देखना, मन लगा कर जो काम किया है वो बेस्ट होता है, राइट। यहाँ बनी कारें, यानी कि कार, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि पूरे संसार में बिकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि वहां की जो इलेक्ट्रिक जो सारी हमारी आइटम्स होती है, जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, राइट, और फिर कार, वो सारी बहुत सारी वहां पर ही उसकी जो चीजें होती है वो बनती है। और पूरे संसार में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वहां की ये जो सारी चीजें है वो बिकती है, यानी कि एक्सपोर्ट होती है, राइट। कंप्यूटर, टेलीविजन, कार्स, वो सब कुछ वहां पर ही ज्यादा बनता है। पेज नंबर 44 देखो मेरे साथ साथ। जापान समुद्र के छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है। तो द्वीप यानी कि हमने देखा कि द्वीप यानी कि जमीन और उसकी चारों तरफ पानी। तो आप लोगों को लगा कि जापान समुद्र के छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है, यानी कि क्या है पता है कि उसके जो जापान की जो जमीन है, भूमि है, उसके चारों तरफ पानी है, राइट। पर कितने हैं द्वीप पता है, आइडिया है? जापान में आई थिंक 6800 देखो कितने द्वीप है वो मैं आपको बताती हूँ। 6800 समथिंग कुछ उसके 6820 समथिंग द्वीप वहां पर है, राइट। 6820 समथिंग द्वीप, इतने सारे आइलैंड वहां पर है और उस पर ये जापान शहर बसा हुआ है। तो आपको लगेगा कि 6800 उसमें से पांच बड़े बड़े जो द्वीप पूरे देश में उसके नाम होते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप, वो सारे के सारे वहां पर जापान में ही है, राइट। यहाँ के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर कैसे घर बनाते हैं, सीमेंट, ककड़ी, कंकर, रेत, उससे घर बनाते हैं। पर ये लोग होते हैं वो उसके घर कैसे बने होते हैं, लकड़ी के। कैसे बने हुए होते हैं, लकड़ी के। जमीन पर घास से बनी चटाई बिछाते हैं। देखो हमारे घर होते हैं वो तो हम उस पर क्या करते हैं, हम लोग फ्लोरिंग्स कराते हैं, राइट, सीमेंट से, रेत से बनते हैं। पर उन लोगों के लकड़ी के बने होते हैं तो वो लोग अपनी जो जमीन होती है उस पर वो लोग घास का बिछोना रखते हैं। क्या रखते हैं, घास का बिछोना। जमीन पर घास से बनी चटाई बिछाते हैं जिसे वे टटामी कहते हैं। क्या कहते हैं, टटामी। टटा क्या है, उसका नाम टटामी। क्या है, टटामी। टटामी यानी कि घास का बिछोना। क्या होता है, घास का बिछोना, राइट। तो जो अपनी लकड़ी का घर होता है उस पर बैठने के लिए वो घास का बिछोना लगाते हैं, उसको टटामी कहते हैं, याद रखना। ओके, घर के भीतर सामान बहुत कम होता है। देखो हम लोग तो बहुत सारा सामान घर में इकट्ठा कर लेते हैं, राइट, पर वो लोग क्या करते हैं, बहुत घर में सामान बहुत रखते नहीं है। उसके घर होता है सिंपल, सोबर, लकड़ी का, घास का बिछोना होता है, बहुत सारी चीजें उसके घर में होती नहीं है। हमारे घर में तो बहुत सारी चीजें होती है, राइट। दिवाली की साफ सफाई की तभी देखा होगा सभी ने कि घर में कितनी चीजें होती है, राइट। पर ये लोग होते हैं जो अपने घरों में बहुत सी चीजें रखते नहीं है। सभी लोग भूमि पर सोते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, भूमि पर यानी कि जमीन पर सोते हैं, राइट। हम लोग तो क्या करते हैं, बड़े बड़े बेड बनाते हैं, राइट, पर ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते। ये लोग तो जमीन पर सोते हैं। कहां पर सोते हैं, जमीन पर। ऐसे हल्के घर बनाने का मुख्य कारण यह है कि जापान में भूकंप आते रहते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा करने का कारण क्या, ऐसा करने का रीजन क्या। देखो हमें भी शौक है कि हम लोग भी ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें रखते हैं, पर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन ये है कि ये लोग होते हैं जो वहां पर जापान में बहुत भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, बहुत
भूकंप आते हैं, इसलिए उस भूकंप के कारण वो जमीन हमेशा बार बार हिलती डुलती रहती है, भूकंप आने से ऐसे जमीन हिलती है। तो उसी के कारण वो लोग ऐसे घर भी लकड़ी के बनाते हैं और घर में बहुत सी चीजें भी नहीं रखते, यही कारण है कि भूकंप वहां पर बहुत आते हैं। ऐसे में यदि घर गिर जाए तो जान माल का नुकसान नहीं होता। क्या होता है कि ऐसे में देखो, मैंने कहा कि वो लोग घर में भी बहुत नहीं रखते सामान और क्या करते हैं, जमीन पर सोते हैं, यानी कि उसका मतलब ये कि जब अचानक भूकंप आ जाए तो जान माल का नुकसान, यानी कि किसी की जान भी नहीं जाती और बहुत सा नुकसान भी उन लोगों को नहीं उठाना पड़ता, राइट, क्योंकि बार बार वहां पर भूकंप आते रहते हैं। हमारी अध्यापिका ने बताया कि जापान फूलों का देश है। किसका देश है? फूलों का। जापान देश है, वो फूलों का देश है, राइट, फूलों का देश, यानी कि उसके उस देश में फूल बहुत होते हैं। देखो कैसे वो देखते हैं, हमारी अध्यापिका ने बताया कि जापान फूलों का देश कहलाता है, यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है, वे घर के आसपास फूलों के पौधे अवश्य लगाते हैं। वे लोग क्या करते हैं कि वो लोग फूलों के इतने शौकीन होते हैं, उन लोगों को फूल फ्लावर्स इतने अच्छे लगते हैं कि हर एक के घर में हर एक कई प्रकार के फूल के वो पौधे लगाते हैं, वो इतने शौकीन होते हैं फूलों के, राइट। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पर यहाँ चेरी नामक पेड़ पर सुंदर फूल खिलते हैं। कौन सा पेड़? चेरी। हम जो खाने की चेरी आती है वो नहीं, पर चेरी नामक पेड़ है। क्या है? चेरी नामक पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत से सुंदर फूल खिलते हैं। जापानी चेरी उत्सव मनाते हैं। वो लोग इतने सुंदर, इस पेड़ पर इतने सुंदर फूल आते हैं कि वो लोग उसी के ऊपर एक उत्सव भी मनाते हैं, चेरी उत्सव मनाते हैं। उत्सव या कोई त्योहार मनाते समय ये अपना पारंपरिक पहनावा किमोनोस, क्या है? किमोनोस। किमोनोस क्या है? वो उनका एक पहनावा है, किमोनोस, राइट। किमोनोस आपको लगेगा कि ये क्या है किमोनोस, ये तो हमें रीड करना भी नहीं आता, पर देखो हमारे यहाँ कैसा होता है, साड़ी होती है, फिर पैंट शर्ट धोती कुर्ता, राइट, वैसे हमारे सारे पहनावे हैं, वैसे ही ये इन लोगों का किमोनोस पहनावा है, राइट। वो पहनावे नॉर्मल तो वो लोग हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, बट जब ये चेरी उत्सव वो लोग मनाते हैं, जब वो लोग ये चेरी उत्सव मनाते हैं तब वो लोग ये पहनावा पहनते हैं, क्योंकि ये पारंपरिक है। पारंपरिक यानी कि हमने आगे देखा कि बरसों से ये चीज चली आती है कि इस उत्सव में सभी इस तरीके से कपड़े पहनते हैं। इनके प्रिय खेल बेसबॉल तथा सुमो, एक प्रकार की कुश्ती। बेसबॉल तो पता है हमें, पर सुमो क्या है? सुमो ये उन लोगों का एक कुश्ती का खेल है। क्या है? सुमो ये उन लोगों का एक कुश्ती का खेल है। आप लोगों ने देखो कि बड़े बड़े मोटे मोटे आदमी होते हैं जो फाइटिंग करते हैं रिंग के बीच, रिंग में रख के बड़े बड़े जो जापानीज होते हैं, हम लोग कहते हैं ना जापानी है ये, तो ये लोग बड़े बड़े जापानीज लोग होते हैं, एकदम उसकी बॉडी हैवी बॉडी होती है और वो कुश्ती करते हैं, राइट। उस कुश्ती को कहते हैं सुमो रेसलिंग, राइट, सुमो रेसलिंग। सुमो होती है ये सुमो पहलवान हम कहते हैं ना, तो वो उस प्रकार का उन लोगों का प्रिय खेल है। एक तो बेसबॉल और एक है सुमो, राइट। जापान पर्वतों से घिरा एक सुंदर देश है। जापान है वो, उसमें द्वीप के और ऊपर तो है, पर जापान में बहुत से पर्वतों से घिरा हुआ है, यानी कि जापान के पूरे और पर्वतों से घिरा हुआ है। टोक्यो इसकी राजधानी है। क्या है? टोक्यो। टोक्यो उसकी राजधानी है। तो आपको लगेगा कि राजधानी यानी कि कैपिटल, जैसे कि हमारे भारत का कैपिटल क्या है? दिल्ली। हमारी भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। वैसे ही जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो शहर का नाम है।
ये यहाँ की मुद्रा है, ये न, राइट। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या चलता है, नोट सिक्के, राइट, वो हमारी मुद्रा है, वो हमारे पैसे है। वैसे वहां के पैसों को येन कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा यहाँ का रुपया है, क्या है? रुपया, 5 रुपए, 6 रुपए, 700, 100, राइट। उनों का येन होता है, 1 येन, 2 येन, 3 येन, राइट। तो उनके जो पैसे होते हैं उसको येन कहते हैं। उनकी राजधानी टोक्यो और उनका जो पैसा है उसको येन कहते हैं। मुद्रा यानी कि हमारी मुद्रा है रुपया, वैसे उनकी मुद्रा होती है येन। तथा जापानी यहाँ की भाषा है, यहाँ की भाषा कौन सी है? जापानी, राइट। देखो हमारी भाषा कौन सी है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। वैसे उन लोगों की भाषा कौन सी है? जापानी। मैं तो कहूंगी जीवन में एक बार जापान अवश्य घूमकर आना। वो इतनी खुश होगी वहां की सारी बातें जानकर, वहां के सुंदर सुंदर दृश्य देखकर वो इतनी खुश हो गई कि उसने, अक्षिता ने रीना से कहा कि वहां एक बार तो हमें घूमने जाना ही चाहिए। घर पर सभी को मेरा प्रणाम कहना। इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में मैं भारत आऊंगी। यानी कि ये जो रीना है वो कहां पर रहती है? यस, भारत में। रीना है, उसकी सहेली अक्षिता है। अक्षिता कहां रहती है? दुबई में, और रीना रहती है भारत में। और उसको वो पत्र लिख के सब कुछ कहती कि सच में एक बार तो जापान जाना चाहिए। घर पे सभी को मेरा प्रणाम कहना और छुट्टियों में मैं भारत आऊंगी, तब तुमसे अवश्य मिलूंगी। तुम्हारी सहेली अक्षिता, राइट। तुम्हारी सहेली अक्षिता यानी कि ये अक्षिता है, उसने ये पत्र लिखा था रीना को। और एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते कि अक्षिता ने रीना को पत्र लिखा था, अक्षिता दुबई में रहती है, वहां से वह जापान घूमने गई थी गर्मी की छुट्टियों में विद्यालय की ओर से और सहेलियों के साथ। फिर वहां पर हमने देखा जापान में कार, टेलीविजन, कंप्यूटर्स बहुत बनते हैं और पूरे संसार में बिकते हैं। फिर हमने देखा कि उनके घर लकड़ी के होते हैं, जापान विश्व पर बसा हुआ शहर है, देश है। और फिर हमें ये भी देखा कि लकड़ी के घर ज्यादा होते हैं, सब घास का बिछौना, उसको क्या कहते हैं, टटामी, उस पर सोते हैं और वहां पर भूकंप बहुत आते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि वो फूलों का देश माना जाता है, वहां पर एक चेरी नाम का पेड़ है, उस पर बहुत सुंदर फूल खिलते हैं और वो लोग चेरी उत्सव भी मनाते हैं। और उसमें पारंपरिक उसका पहनावा है किमोनोज, वो पहनते हैं। और फिर हमने देखा कि जापान की बेसबॉल और सुमो खेल है प्रिय, और उनकी राजधानी टोक्यो है, और उनकी और उसकी भाषा जापानी है, राइट। उतनी बातें हमने देखी और अक्षिता ने भी रीना के बारे में, रीना को बहुत सारी बातें जापान के बारे में बताई। ओके, नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और हमारी ये पाठ माला है वो करेंगे। ओके, तो आशा है कि आप लोगों को ये लेसन है वो समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये एक बार दो बार रीड करना है, राइट, ताकि आप लोगों को ये सारी जो बातें हैं वो समझ में आ जाए। तो नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।